हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। और ये क्लोज टेस्ट IBPS क्लर्क, IBPS PO, कैनरा बैंक और दूसरे सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं इस न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट को। अद्दा 247 की कोई सी भी टेस्ट सीरीज यदि आप डिस्काउंटेड प्राइस पर लेना चाहते हैं तो उसका रिक्वेस्ट आप मुझे कर सकते हैं। और इस वीडियो क्लास में मैं आपको एक 90-डे श्योर सिलेक्शन प्लान बताऊंगा IBPS क्लर्क के बारे में। तो इसलिए इस पूरे वीडियो को आप एंड तक देखें, ध्यान से सारी चीज़ें सुने और आपके लिए काफ़ी यूजफुल ये वीडियो क्लास रहेगी। देखिए, किसी भी क्लोज टेस्ट को जब आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले उस क्लोज टेस्ट का एटलीस्ट 50% पार्ट आपको पढ़ना है ताकि आपको एक आइडिया लगे कि इस क्लोज टेस्ट का थीम क्या है, इस किस टॉपिक के बारे में है और क्लोज टेस्ट का टोन क्या है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसमें किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, किसी चीज़ को प्रेस किया जा रहा है या किसी चीज़ को एनालिसिस किया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्लोज टेस्ट को आधा पढ़ना है, एटलीस्ट 50% पढ़ना है। और 50% पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया होगा कि इसका थीम क्या है, उसका टोन क्या है, उसके बाद ऑप्शंस को भरना आपको शुरू करना है। जैसे यहाँ से इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन सेलिब्रेटेड एज द प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया, थैंक्स टू द ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया इज़ नाउ सेल्फ एड्रेस्ड फॉर प्रोडक्शन। तो इस पूरे पैसेज में प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर की बात हो रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके से ग्रो कर रहा है उसकी बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर आप वर्ड्स देख सकते हैं, जैसे ग्रोइंग एक वर्ड लिखा है, यूजिंग एक लिखा है, टेक्नोलॉजिकली लिखा है, इसका मतलब इसका जो टोन है इस पूरे पैसेज का, ये पॉजिटिव टोन है। क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए जो फिलर होता है, जैसे यहाँ पर ये ब्लैंक दिया है, ब्लैंक के बगल में लेफ्ट हैंड साइड में जो वर्ड है और राइट हैंड साइड में जो वर्ड है, इन दोनों वर्ड्स को आप हमेशा आपको लिंक करके देखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो प्रपोजिशंस दिए रहते हैं या यहाँ पर जो वर्ड्स दिए रहते हैं उन वर्ड्स के साथ कनेक्ट करके आपको इसको देखना होता है, तब आप क्लोज टेस्ट को एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन सेलिब्रेटेड एज द प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया, थैंक्स टू द ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया इज नाउ। देखिए, ग्रीन रिवोल्यूशन की इसमें बात हो रही है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि थैंक्स टू द ग्रीन रिवोल्यूशन, मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से कुछ अच्छा काम हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कॉमन सेंस यदि आप लगाएं तो ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से कुछ अच्छा काम हुआ है, इंडिया इज नाउ। यदि ग्रीन रिवोल्यूशन आता है कोई भी किसी भी जगह पर, एग्रीकल्चर में जब रिवोल्यूशन आता है तो इसका मतलब जो पैदावार होती है वो काफ़ी बड़े स्तर पर होती है। ठीक है, तो ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से एक पॉजिटिव चेंज आएगा, तो थैंक्स टू द ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया इज नाउ। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया है, सेल्फ एड्रेस्ड फॉर। ठीक है, यदि आपको लगता है कि ये ऑप्शन सही है तो आप इसको लगा सकते हैं, यदि आपको नहीं लगता है कि ये सही है तो फिर इन ऑप्शंस में से देख के आपको इस ऑप्शन को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर सेल्फ एड्रेस्ड फॉर ये गलत है, यहाँ पर हम यहाँ पर एक्चुअली पैसेज बोल रहा है कि थैंक्स टू द ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया इज नाउ सेल्फ सफिशियंट इन फूड प्रोडक्शन, मतलब इंडिया अब सेल्फ सफिशियंट हो गया है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, इंडिपेंडेंट हो गया है और उसको ग्रेन यानी अनाज को इम्पोर्ट करने की अब जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी सेल्फ सफिशियंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, सेल्फ सफिशियंट मतलब इंडिपेंडेंट हो गया है, तो इस तरीके इसको फिल करना है। इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ बीन, अब हैज़ बीन के बाद यहाँ पर आपको ING फॉर्म चाहिए। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर बीन ग्रोइंग एंड यूजिंग टेक्नोलॉजिकली एज वेल, तो यहाँ पर एक्चुअली एज वेल बोला जा रहा है, चूंकि प्रीवियस सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये वाला जो सेंटेंस होगा ये भी पॉजिटिव होगा, इसमें एज वेल बोला जा रहा है, इसका मतलब कि इंडिया ये भी कर रहा है। ठीक है, तो इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ बीन, यहाँ पर हम लगाएंगे, यहाँ पर जो सेंस बनेगा वो बनेगा सेकेंड ऑप्शन का, मेकिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ बीन मेकिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, चूंकि प्रीवियस सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसलिए इस सेंटेंस को भी हम पॉजिटिव रखेंगे। मेकिंग एडवांसमेंट मतलब आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी काफ़ी बड़े स्तर पर हो रहे हैं। तो इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ बीन मेकिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एडवांसमेंट इसमें नाउन है और टेक्नोलॉजिकल जो है इसमें एडजेक्टिव है। और एडवांस कुछ वर्ड्स के साथ हम मेक वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे मेक एडवांसमेंट हम लगा सकते हैं, मेक प्रोग्रेस हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वर्ड कॉम्बिनेशन भी अच्छे तरीके से आना चाहिए।
Does that mean everything is looking bright for Indian agriculture? A superficial analysis of the above points would tempt one to say yes. But अब देखिए यहां पर एक कीवर्ड है but, यानी यहां पर एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि यहां तक इस लाइन में आप कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर बट लिखा है, इसका मतलब यहां पर आपको एक कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट चाहिए। तो थर्ड में एक कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट चाहिए, बट द स्टडी इज डिफरेंट। स्टडी हम यहां पर नहीं कर रहे हैं, स्टडी यहां पर वर्ड नहीं आएगा, यहां पर सिचुएशन की बात हो रही है। तो इसलिए यहां पर हम बोल सकते हैं बट द ट्रुथ इज फार फ्रॉम इट, मतलब सच्चाई जो है वो इससे अलग हो सकती है कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है। बट तो यहां पर हम लगाएंगे बट द ट्रुथ इज फार फ्रॉम इट, ठीक है। द रियलिटी इज दैट इंडियन फार्मर्स हैव टू फेस एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। भारत के जो किसान हैं उनको एक्सट्रीम पॉवर्टी फेस करना होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना होती है, विच इज, अब देखिए यहां पर फोर के आगे यदि आप देखें तो एक कीवर्ड दिया है सुसाइड, मतलब उनका सुसाइड यानी आत्महत्या करनी पड़ती है। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी, नितांत गरीबी और फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। तो इसकी वजह से, एक्सट्रीम पॉवर्टी की वजह से और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वे लोग क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। तो ये रीजन है, एक्चुअली एक्सट्रीम पॉवर्टी और फाइनेंशियल क्राइसिस रीजन है, विच इज, आप देखिए यहां पर एक कीवर्ड है एज, इसका मतलब यहां पर एक आईएनजी का वर्ड आपको चाहिए और एक ऐसा वर्ड चाहिए जो एक्सट्रीम पॉवर्टी फाइनेंशियल क्राइसिस को सुसाइड के साथ जोड़ दे। तो इसमें हम क्या रख सकते हैं, फोर में आपका क्या ऑप्शन होगा, विच इज, यहां पर आईएनजी फॉर्म का एक वर्ड चाहिए, यानी ड्राइव्ड यहां पर नहीं होगा, विच इज अट्रैक्टिंग देम इन सुसाइड हम नहीं बोल सकते, विच इज ड्राइविंग देम टू सुसाइड हम बोल सकते हैं, जो उनको सुसाइड करने पर मजबूर कर रहा है। तो विच इज ड्राइविंग देम टू सुसाइड यहां पर फोर में हम बोलेंगे। वॉट आर द ग्रेव एडवर्सिटीज दैट ड्राइव द फार्मर्स टू कमिट सुसाइड, मतलब ग्रेव एडवर्सिटीज कौन सी हैं, जो ग्रेव मतलब सीरियस, एडवर्सिटी मतलब विपत्ति, जो सीरियस विपत्ति कौन सी हैं जो फार्मर्स को सुसाइड कमिट करने के लिए मजबूर करती हैं, एट ए टाइम व्हेन द इंडियन इकोनॉमी इज, अब यहां पर फिर आपको, यहां पर फिफ्थ में आपको फिर से एक आईएनजी फॉर्म का एक वर्ड चाहिए, ठीक है। तो आईएनजी फॉर्म का कौन सा वर्ड लगेगा ये अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं इस 90 डे श्योर सक्सेस प्लान के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये आईबीपीएस क्लर्क के लिए एक्सक्लूसिवली एक बैच क्रिएट किया है, हालांकि इसके थ्रू आपकी पीओ लेवल की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। 90 डे इसकी वैलिडिटी रहेगी इस टारगेट बैच की। इस बैच में मैं केवल 30 ही एडमिशन लूंगा और इसमें पूरा प्री का इंग्लिश, मेंस का इंग्लिश और मेंस का करेंट अफेयर्स आपको वीडियो क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जाएगा। इसमें पीडीएफ्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी। इस बैच में ऑलरेडी 21 स्टूडेंट एनरोल कर चुके हैं और केवल 30 ही स्टूडेंट को इसमें मैं एडमिशन दूंगा और आज रात 8 बजे तक इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से क्लिक करके केवल 999 पे करके इस टारगेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं आप और अपनी सफलता आप सुनिश्चित कर सकते हैं। अब देखिए फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में मैंने बताया था कि इजएमआर है वहां पर, तो फिफ्थ में हम बोलेंगे एट ए टाइम व्हेन द इंडियन इकोनॉमी इज, इंडियन इकोनॉमी इज व्हाट, इंडियन इकोनॉमी इज फिफ्थ में, एक सेकेंड, फिफ्थ में ये आएगा इंडियन इकोनॉमी इज यहां पर आप लगा सकते हैं थॉट ऑफ एलिविएट अप मार्जिन अप, इंडियन इकोनॉमी इज सपोज टू बी गियरिंग अप, इंडियन इकोनॉमी इज सपोज टू बी गियरिंग अप, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी इज अप फॉर परफॉर्मिंग, गलत फ्रेज है अप फॉर परफॉर्मिंग, इंडियन इकोनॉमी इज सपोज टू बी गियरिंग अप, इंडियन इकोनॉमी इज सपोज टू बी गियरिंग अप टू टेक ऑन द वर्ल्ड, टेक ऑन द वर्ल्ड का मतलब है कि पूरी दुनिया का सामना करना, ठीक है। तो इसलिए जब हम किसी का सामना करते हैं तो हम अपने आप को तैयार करते हैं और अपने आप को तैयार करने के लिए हम बोलते हैं गियर अप। तो टेक ऑन और गियर अप का यहां पर एक लिंक बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम फिफ्थ में लिखेंगे गियरिंग टू टेक ऑन द वर्ल्ड। इसके बाद देखते हैं इंडियन एग्रीकल्चर इज डोमिनेंटली अबाउट द नेचर। देखिए इंडिया का जो एग्रीकल्चर है हम सभी जानते हैं कि मानसून पर आधारित है, ये मानसून बेस्ड एग्रीकल्चर है। तो यहां पर हम सिक्स में क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन देखते हैं। एक्चुअली इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंडेंट है मानसून पर, नेचर पर। तो यहां पर हम बोल सकते हैं डोमिनेंटली ओवर द मेकिंग अप कुकिंग
ये वाला ऑप्शन इसमें सही रहेगा, प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट ऑन, ठीक है, तो इंडियन एग्रीकल्चर इज predominantly dependent upon the nature. Irrigation facilities that are currently available do not cover the entire cultivable land. मतलब जो irrigation facilities available है government की तरफ से उसमें सारा cultivable land है वो cover नहीं होता है, ठीक है, काफ़ी सारे किसान को monsoon पर depend रहना पड़ता है, तो इसलिए problem आती है. If the farmers are at the leniency of land for timely water, यदि farmer निर्भर हैं, ठीक है, टाइमली वाटर के लिए फार्मर किस पर निर्भर करते हैं, इसका सही देखते हैं ऑप्शन क्या होगा. फार्मर निर्भर करते हैं बारिश पर, मानसून अगर सही होगा तो फसल सही होगी, मानसून सही नहीं होगा तो फसल सही नहीं होगी, यानी मानसून की दया पर सारे किसान निर्भर रहते हैं. तो यहाँ पर एक फ्रेज आ सकता है, इफ द फार्मर्स आर एट द मर्सी ऑफ, एक फ्रेज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं एट द मर्सी ऑफ, यहाँ पर, ठीक है, इफ द फार्मर्स आर एट द मर्सी ऑफ फॉर टाइमली वाटर, मर्सी ऑफ मानसून फॉर टाइमली वाटर फॉर देयर क्रॉप्स, दे आर एट द मर्सी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर, बिल्कुल सही बात है, यदि मानसून सही टाइम पे नहीं होता है तो उन्हें गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, एट द मर्सी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर ऑल्टरनेटिंग इरीगेशन फैसिलिटी. ऑल्टरनेटिंग इरीगेशन फैसिलिटी, ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, जैसे पहले के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद पहला, मतलब बदल बदल के, जिसको हम बोलते हैं जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग वर्ड यहाँ पर गलत होगा, ऑल्टरनेटिव यहाँ पर सही होगा. ऑल्टरनेटिव इरीगेशन फैसिलिटी, ऑप्शनल इरीगेशन फैसिलिटी किसान अपनाता है यदि मानसून सही टाइम पर नहीं होता है तो, ठीक है. तो यहाँ पर एट में आपका आंसर क्या होगा, एट में आपका आंसर होगा नो चेंज, क्योंकि ऑल्टरनेटिव इरीगेशन फैसिलिटी वहां पर सही चॉइस है. ऑल्टरनेटिंग गलत होगा, ऑल्टरेशन भी गलत होगा, ऑल्टरेशन मतलब बदलना, ऑल्टरनेटिंग मतलब बदल बदल के, इरीगेशन, ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव इरीगेशन फैसिलिटी को किसान को अपनाना पड़ता है यदि गवर्नमेंट उन्हें सही तरीके से फैसिलिटी नहीं देती है. एनी फेलियर ऑफ नेचर डायरेक्टली अफेक्ट द, यदि नेचर का फेलियर होता है, यदि मानसून सही नहीं आता है तो इससे क्या चीज़ अफेक्ट होगी, इससे किसान की जो फसल है वो अफेक्ट होती है और किसान की जो लाइवलीहुड होती है वो पूरी तरीके से उसकी उसके उसके खेतों पर, उसकी फसल पर, ज़मीन पर निर्भर करती है. तो यदि फसल ख़राब होती है तो उसका फॉर्चून यानी उसकी जो इनकम है वो सारा बिगड़ जाता है उसका. तो यहाँ पर नाइन में हम बोलेंगे फॉर्चून, अफेक्ट द फॉर्चून्स ऑफ द फार्मर. सेकेंडली, इंडियन एग्रीकल्चर इज़ लार्जली एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, देयर इज़ नो, यदि अनऑर्गेनाइज्ड है तो उसका क्या मतलब है, इसका अनऑर्गेनाइज्ड यदि है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिस्टमेटिक प्लानिंग इन कल्टीवेशन की कमी है, तभी तो अनऑर्गेनाइज्ड है. तो इसलिए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सिस्टमेटिक प्लानिंग इन कल्टीवेशन. तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस को आपको करना होता है. तो इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, और 90 डेज का श्योर सक्सेस प्लान यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं IBPS क्लर्क के लिए तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से क्लिक करके इस टारगेट बैच को आप तुरंत ज्वाइन करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें. तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में. थैंक यू.